नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अब एनडीए 2/2024 का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुका है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, एवरीथिंग डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यूपीएससी के द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो पोस्ट हैं वो निकाली जाती है और ये बहुत ही अच्छी वो पोस्ट होती है, लूटिनेंट की इसके अंदर पोस्ट होती है। तो ये काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जो प्लस टू पास बच्चे होते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जान लेंगे एनडीए के बारे में। फिर भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, आपका जो भी कमेंट होगा उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए 15/5/2024 का ये नोटिफिकेशन आया था और यहाँ पे बताया गया एग्जामिनेशन नोटिस नंबर 10/2024 एनडीए सेकंड। उसके बाद ये यहाँ पे बताया गया लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 4/6/2024 यानी कि 4 जून 2024 की इसकी लास्ट डेट है और जो इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो 15/5/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2024 ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in। इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। जो जो मेन चीज़ है वो हम यहाँ पे सारी डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज पीडीएफ जो है वो काफ़ी लंबी है, 111 पेजेस की पीडीएफ है। जो जो मेन चीज़ है वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.nic.in। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपना ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो भरना है। ओनली मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल, मॉडिफिकेशन भी आप इसके अंदर कर पाएंगे, फॉर्म आपको ओटीआर के थ्रू भरना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो ओटीआर के माध्यम के थ्रू आपको इसके अंदर ऑनलाइन जो ओटीआर है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो मॉडिफिकेशन की डेट है यहाँ पे देख लीजिएगा 5/6/2024 से लेके 11/6/2024 तक आप अपना फॉर्म जो है वो एडिट कर पाएंगे अगर आप किसी कारणवश कोई गलती कर देते हैं। वैसे तो पहली बार में ही अपना फॉर्म बिल्कुल करेक्ट भर लीजिएगा, अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है तो 5 जून से लेके 11 जून तक आपको एडिट करने का मौका दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप कोई गलती कर देते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में बताया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन फिल्ड अप टू 4 जून 2024 शाम के 6 बजे तक आप अपना फॉर्म इसके अंदर भर पाएंगे। उसके बाद द एलिजिबल कैंडिडेट शैल इशूड एडमिट कार्ड ऑन द लास्ट वर्किंग डेज ऑफ प्रीसीडिंग वीक ऑफ डेट एग्जामिनेशन। द ई एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द यूपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। ये थोड़ा सा बताया गया है। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है यहाँ पे देख लीजिएगा, कैंडिडेट शुड नोट देयर विल बी अ पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड ए कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। तो ठीक है, हम आगे आ जाएंगे। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, हम आगे आ जाएंगे। जो जो मेन चीज़ है वो सारी हम यहाँ पे देखते चलेंगे। ये थोड़ा सा बताया गया है, फॉर बोथ राइटिंग एंड मेकिंग आंसर द ओएमआर शीट आंसर शीट कैंडिडेट मस्ट यूज़ ब्लैक पेन से आपको जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर लिखने वाला काम है वो आपको करना है। आंसर मेकिंग आंसर ब्लैक पेन से आपको लिखने हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देख लेते हैं फ़ोन बैन है इसके अंदर, फ़ोन वगैरह ये आप समझदारी हैं काफ़ी। उसके बाद यहाँ पे बताया गया इंस्ट्रक्शन और रिस्पेक्ट अपलोडिंग फोटोग्राफ विल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके अंदर फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर हैं वो कितने साइज के आपको भरना है तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप। वैसे आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसके साइड में आप बता भी दे चाहे वो कितने डायमेंशन के आपको फोटो और सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे देख लीजिएगा कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ओनली नो अदर मोड, किसी भी अदर मोड से आपको फॉर्म नहीं भरना है, ओनली ऑनलाइन फॉर्म आपको इसके अंदर भरना है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा एन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1/7/2024। तो एग्ज़ाम डेट बता दी गई है 1/7/2024 को आपका एनडीए 2/2024 का यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। एडमिशन ऑन द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं के लिए ये एडमिशन लिया जाता है। एनडीए फॉर द 154th कोर्स एंड फॉर द 116th इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स एंड कॉमर्सिंग फॉर्म 2 जुलाई 2025। तो ये इसके लिए रिकमेंड
2 जुलाई 2025 के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में पोस्ट देख लेते हैं। आर्मी की 208 पोस्ट है, 10 फीमेल की है इसी के अंदर, और नेवी की बात करें तो 42 पोस्ट आई हैं, 6 पोस्ट फीमेल के लिए हैं, और एयरफोर्स की बात करें तो फ्लाइंग की 92 है, ग्राउंड ड्यूटी की 18 है, और यहाँ पर देख लीजिएगा फीमेल की इंक्लूड करके बता रहा हूँ, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की 10 पोस्ट निकाली गई है टोटल। तो यही इस हिसाब से वैकेंसी निकाली गई है। नेवल अकेडमी 10+2 कैडर एंट्री स्कीम में की बात करें तो 34 वैकेंसी निकाली गई है, 5 फीमेल की वैकेंसी है इसके अंदर, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 404 वैकेंसी के ऊपर एनडीए का जो 2022/2024 का नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया गया है। आई होप आपको आधे से ज़्यादा जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी। फिर भी हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या कहा गया है। ये एडिट की फॉर्म है, एडिट करने का मौका दिया जाएगा 5 जून से लेकर 11 जून के बीच में। ऑनलाइन सेंटर है, जितना जल्दी हो उसके आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि जो यूपीएससी फॉर्म लेता है वो फर्स्ट पहले आओ पहले पाओ की रणनीति अपनाता है, उसके बाद जो सेंटर है वो मिलने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए जितनी जल्दी उसके फॉर्म अपना डाल दीजिएगा। और ये ऑनलाइन सेंटर की ऊपर लिस्ट दी गई थी। कंडीशन एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल और इसका भी भर सकता है आप देख लीजिएगा। और एज लिमिट सेक्स मेरिटियल की बात करें तो ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2024 नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2024 आर एलिजिबल। तो ये यहाँ पर बताया गया है, अनमैरिड आप स्टूडेंट होनी चाहिए, मतलब आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर भर पाएंगी। जो आपका जन्म है, या तो आपका जन्म 2 जनवरी 2006 के दिन होना चाहिए, या फिर आपका जन्म 1 जनवरी 2009 के दिन होना चाहिए, या फिर आपका जन्म इन दोनों डेट्स के बीच में होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे, देख लेते हैं कोई और जो मेन चीज़ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रह गई है, यहाँ पे दे भी दिया गया है। आर्मी विंग के लिए देख लीजिएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए 2+ क्लास ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विलेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर बताया गया फॉर आर्मी विंग और नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए 2+ पास आप पास होने चाहिए, या फिर इसके इक्विलेंट कोई भी पास होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की बात करें, नेवल विंग और नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर द 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम एट द इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो 10+2 क्लास पास विद, मतलब 2+ क्लास आप पास होनी चाहिए, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन इक्विलेंट कंडक्ट बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे बताया गया एयरफोर्स के लिए, जो नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी है, इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, PCM में आप 2+ पास होनी चाहिए, यानी कि नॉन मेडिकल से आपने पास की होनी चाहिए 2+, तब आप एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे रूम नंबर, यहाँ पे क्या दिया गया है, SSB इंटरव्यू नोट, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। मेन चीज़ है यहाँ पे लिखा गया है, कैंडिडेट हु आर अपियरिंग इन द 2+ क्लास अंडर द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन इक्विलेंट एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। तो जो अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बताई गई है, सच कैंडिडेट हु क्वालिफाई SSB इंटरव्यू बट कुड नॉट प्रोड्यूस मेट्रिकुलेशन 10+2 इक्विलेंट सर्टिफिकेट ओरिजिनली टाइम SSB इंटरव्यू शुड फॉरवर्ड ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी डायरेक्शन। तो ये जो भी आपकी यहाँ पे बताई गई है, ये मेनली उन बच्चों के लिए बताई गई जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, 24 जून 2025 से पहले जो आपकी 2+ क्लास है वो पास हो जानी चाहिए, मेनली यहाँ पे ये बताया गया है SSB के बाद। ठीक है, हम आगे आ जाएंगे। ये यहाँ पे नोट में कहा गया, कैंडिडेट अपीयरिंग इन क्लास 11th क्लास एग्जाम्स आर नॉट एलिजिबल, मतलब 11वीं क्लास का जो बच्चा है वो एलिजिबल नहीं है इसके अंदर, ये थोड़ा सा बताया गया है। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड बताया गया, कोई ज़रूरी नहीं है, ये बाद की बातें हैं। उसके बाद फीस की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, कैंडिडेट एग्जेम्प्टिंग SC ST कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट वार्ड्स ऑफ बिलो हु आर एग्जेम्प्ट पेमेंट फी आर रिक्वायर्ड टू पे ए रोट रेट्स 100 रुपीज़ 100 ओनली आइदर रिमिटिंग। ये 100 रुपये फीस ली गई है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑनलाइन आपको फ़ीस कटवानी है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी आप यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं क्लोजिंग डेट, ये थोड़ा सा याद रख लेना आप, 4 जून है इसकी, और समय से आप अपना फॉर्म डाल देना इसके अंदर। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो जो मेन चीज़ हम वही देखते चलेंगे। आगे हम आ जाएंगे, देख लेते हैं एग्ज़ाम सिलेबस और पैटर्न वगैरह कहाँ दिया गया है, ये देख लीजिएगा, 111 पेजेज़ का यहाँ पे नोटिफिकेशन है, सभी हम नहीं डिस्कस कर सकते, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट डेट वही है, 4 जून बताई गई है, और जो इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, 15/5 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो अपना फॉर्म डाल दीजिए जितनी जल्दी हो उसके। उसके बाद हम देख लेते हैं,
एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह देख लेते हैं कहाँ पे है। ये आ गया एग्ज़ाम पैटर्न, स्कीम ऑफ सिलेबस यहाँ पे देख लीजिएगा, स्कीम एंड सिलेबस एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द सब्जेक्ट रिटन एग्जामिनेशन, टाइम अलाउड एंड मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड सब्जेक्ट विल एज फॉलो। तो ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए मैथमेटिक्स पूछा जाएगा और जनरल एबिलिटी टेस्ट पूछा जाएगा। ढाई ढाई घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 300 मार्क्स का ये होगा मैथमेटिक्स और जो 600 मार्क्स का होगा वो होगा आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट। उसके बाद हम देख लेते हैं एसएसबी इंटरव्यू आपका यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, द पेपर्स इन ऑल द सब्जेक्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ओनली, तो एमसीक्यू आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द क्वेश्चन पेपर टेस्ट बुकलेट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड पार्ट बी ऑफ जनरल एबिलिटी टेस्ट विल बी सेट बाय हिंदी एंड विल एज इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपका पेपर आएगा, दो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट। उसके बाद आपका एसएसबी जो कि इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है, आप देख लीजिएगा, आराम से बैठ के इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल से। अगर आपका सपना है डिफेंस अकेडमी में जाने का तो ये देख लीजिएगा। एलजेब्रा आपसे पूछा जाएगा मैथ के अंदर, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपसे पूछा जाएगी, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ टू एंड देयर डायमेंशन, थ्री डायमेंशन आपसे पूछा जाएगा, डिफरेंट कैलकुलस आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद इंटरनल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे पूछी जाएगी, वेक्टर एलजेब्रा पूछा जाएगा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद पेपर सेकंड की बात करें तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी पार्ट ए में, ये देख लेना, ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा पार्ट बी के अंदर, जनरल नॉलेज में आपसे ये पूछा जाएगा। द क्वेश्चन पेपर जनरल नॉलेज विल ब्रॉडली कवर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल साइंस सोशल वगैरह वगैरह, डिटेल से आप अच्छा दिया गया। आप मैं एक डिटेल से अलग से वीडियो बना दूंगा क्या क्या सिलेबस क्या कुछ आने वाला है, अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेक्शन ए में फिजिक्स आपसे पूछी जाएगी, ये खोल के बता दिया गया है। केमिस्ट्री में आपसे क्या क्या कुछ पूछा जाएगा, जनरल साइंस में आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा, हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट्स आपसे क्या पूछा जाएगा, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबा है यहाँ पे। और यहाँ पे बताया गया इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, काफ़ी खोल के सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, तो आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा इसको, कहीं लिख के अपने जहाँ पे आप स्टडी टेबल है वहाँ पे इसको चिपका लीजिएगा। उसके बाद अपनी तैयारी कीजिएगा, काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी होगी उसके अकॉर्डिंग। तो उसके बाद हम देख लेते हैं, और तो कुछ खास नहीं दिया गया, जितनी जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये NDA 2024 का नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया जा चुका है, अब आप जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को डाल दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं और इसकी तैयारी में लगना चाहते हैं। 15/5 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 404 प्लस वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है, तो काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोई भी डाउट है क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर हमसे चैट करना चाहते हैं बात करना चाहते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कनेक्ट करके आप हमसे चैट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।